ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉगिन करें www.rpsbiharsharif.com। नालंदा में कड़ी सुरक्षा के बीच हो रही है मतदान। लोकतंत्र का महापर्व विधानसभा चुनाव कड़ी सुरक्षा के बीच नालंदा जिले के साथ विधानसभा पर शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि मतदान को लेकर सभी सातों विधानसभा पर भारी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। सातों विधानसभा में इंडिया बनाम महागठबंधन की लड़ाई देखी जा रही है। आपको बता दें कि नालंदा विधानसभा सीट पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार और महागठबंधन उम्मीदवार गुर्जर पटेल के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। मतदान सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक डाले जाएंगे। नालंदा के सभी विधानसभा पर पहली बार 20,357 मतदाता आज मतदान करेंगे। आपको बता दें कि कुल वोटर्स 21,72,347 है, जिसमें 11,47,341 पुरुष मतदाता, 10,24,912 महिला मतदाता और थर्ड जेंडर वोटर की संख्या 74 है। मैदान में कुल 144 प्रत्याशी है, जिसमें 129 पुरुष और 15 महिलाएं शामिल है। बूथों की संख्या 3,186 है, जिसमें 22 महिला केंद्र है। 239 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 239 जोनल दंड अधिकारी CRPF कंपनी को लगाया गया है। नहीं, और व्यवस्था कुछ नहीं था, इनका 82 बरस हो रहा। कैसे लाए इनको? इनको बाइक से लाए हैं, यहाँ पे फिर बूथ पर ले गए हैं, गोदी करके उठा के लेके गए हैं। व्हील चेयर में कुछ नहीं था। कौन सा ये केंद्र है? ये बिहार शरीफ है, नगर निगम है। यादव क्या कौन केंद्र है? मरी केंद्र है जी। क्या नाम है इसका? बिहार शरीफ। विधानसभा का चुनाव शुरू हो चुका है और मैं आपको बताऊं कि नालंदा में 7 विधानसभा क्षेत्र है, जिनमें से एक बिहार शरीफ भी है और इस वक्त हम मौजूद है बिहार शरीफ प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित आदर्श मतदान केंद्र में। यहाँ जो हमारे पुलिसकर्मी हैं और पुलिस पदाधिकारी, उनसे बात करते हैं किस तरह के गाइडलाइंस आपको दिए गए हैं। तो मैडम बताइए, आपको किस तरह के गाइडलाइंस दिए गए हैं? चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाना के साथ ही हम लोगों को कोविड ये ध्यान में रखने के जो सुरक्षात्मक कदम है उसके संबंध में निर्देशित किया गया है। कोविड को देखते हुए यहाँ व्यवस्था की गई है, सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग के और साथ ही मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही शांतिपूर्ण ढंग से मतदान। तो जैसा कहना है इनका कि चुनाव आयोग के जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उसके अनुसार से यहाँ मतदान कराया जा रहा है। और यहाँ दिखाएंगे आपको, एक सेल्फी जोन बनाया गया है, यहाँ लोग अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं ताकि उन्हें याद रहे कि मैंने भी मतदान किया था। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इधर जो सुरक्षाकर्मी हैं काफ़ी मुस्तैद हैं, और इधर भी आप देखें यहाँ बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है। तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस बार COVID-19 का पूरी तरह अनुपालन किया जा रहा है, उसके गाइडलाइंस को, कि ताकि कोरोना जैसे संक्रमण को रोका जा सके। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपादित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। COVID-19 से संबंधित दिशा निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन नालंदा द्वारा मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु एक सुसज्जित मतदान केंद्र बनाया गया है। जिले के सभी मतदान केंद्रों पर कोविड को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रकार की सुविधा मुहैया की गई है। मतदाताओं के लिए स्वच्छ पेयजल, रैम, शौचालय एवं प्रतीक्षालय आदि की व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्र पर सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए पंक्ति में खड़े रहने के लिए गोल घेरे में जगह चिन्हित किए गए हैं। प्रतीक्षारत मतदाताओं को बैठने के लिए केंद्र पर ही शेड आदि स्थापित किए गए हैं। संक्रमण के प्रसारण को रोकने के उद्देश्य से मेडिकल टीम द्वारा मतदान केंद्रों पर सभी मतदाताओं का थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा तथा समान तापमान वाले मतदाताओं को ही सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे की अवधि के दौरान मतदान करने की अनुमति होगी। थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान यदि किसी मतदाता के शरीर का तापमान निर्धारित तापमान से अधिक पाया गया तो उन्हें मतदान अवधि के अंतिम घंटे यानी 5 बजे से 6 बजे के दौरान निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुपालन करते हुए मतदान कराया जाएगा।
सभी मतदाताओं को ग्लव्स उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके हाथ भी सैनिटाइज भी करवाए जाएंगे। पीठासीन पदाधिकारी से लेके सभी मतदान कर्मी मतदाताओं की सुरक्षित मतदान करने का उपदेश से बहुमूल्य सहयोग करेंगे।